गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम वीडियो मतलब पिछले लेसन की जैसे वीडियो डाली थी हमने, उसी के थोड़ा सा आप रिकैप करते हैं। लेटर टू गॉड क्लास टेंथ के लिए क्या है, लेटर टू गॉड के लिए हमने क्या है, दो वीडियो डाल चुके हैं। अब जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसी चैप्टर के लिए आगे वाले हिस्से को क्या है, हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या रिकैप करना चाहेंगे कोई भी चीज़ का, जैसे कि हमने पढ़ा है अपने, यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट द लेटर टू गॉड दैट इन दिस चैप्टर देर इज ए फार्मर हु वाज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। द नेम ऑफ द फार्मर वाज लेंचो, जो लेंचो नाम था उस फार्मर का, जो बहुत ज़्यादा क्या कठोर मेहनत करता था। एंड ड्यू टू हेल स्टॉर्म His harvest destroyed totally. उसकी क्या harvest के totally destroyed हो गई थी, उसकी corn field था, खेत सारा सारा क्या destroy हो गया था। तो जैसे ही उसका क्या है मतलब harvest destroy हुई, तब वो सोचता है, उसके मन में विचार आता है कि इस साल हम क्या भूख से मरेंगे, without corn हम रहेंगे, तो हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड सडन एक्सप्रेशन सडन थिंकिंग ही वॉज थिंकिंग अबाउट गॉड दैट गॉड विल श्योरली हेल्प अस बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन ही इज द ओमनी प्रेजेंट पर्सन वी कैन से द गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड ही कैन सी एवरीथिंग वट एवर वी कैन से इन अवर डीप हार्ट बट गॉड कैन सी अवर इन अवर डीप हार्ट हमारे क्या जो गहरे हृदय के अंदर भी क्या भगवान देख सकते हैं कोई चीज हमारे अंदर छिपी हुई है। देन लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैसेज। गॉड हीरो एज ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड गॉड ही रोट उसने लिखा इफ यू डोंट हेल्प मी, उसने क्या है गॉड को लिखा, किसने लिखा लेंचो ने क्या गॉड को लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी यदि आप मेरी क्या मदद नहीं करते हैं, मेरी मदद मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली मेरा जो परिवार है एंड आई और जो मैं मेरा परिवार और मैं आई विल गो हंग्री हम क्या है भूखे मर जाएंगे दिस ईयर, हम क्या है इस साल यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और जो मेरा परिवार है पूरा वो परिवार सारा सारा जो परिवार है हम भूख के मारे मर जाएंगे। I need 100 pieces in order to sow my field again. I need 100 pieces. मुझे क्या 100 pieces की आवश्यकता है, 100 sow pieces की क्या आवश्यकता है to sow my field again. मेरी जो field है, मेरा जो खेत है, उसको क्या है sow करने की है, उसको क्या बीज बोने के लिए मुझे क्या 100 pieces की क्या आवश्यकता है। And to live until the crop comes. और क्या है मुझे क्या एक तो अपना जो खेत दोबारा से क्या बीजना है उसके लिए मुझे 100 पीस चाहिए और एक मुझे एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स और जब तक जीवित रहने के लिए तब तक क्या दूसरी जो फसल है ना आए तब तक क्या मुझे जीवित रहने के लिए भी क्या वो 100 पीस चाहिए बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 क्योंकि जो हेल स्टॉर्म की वजह से क्या सब कुछ नष्ट हो गया था, उसने क्या हेलसोम ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे सारे के सारे खेत में क्या है कुछ भी नहीं बचा। He wrote to God, उसने लिखा to God on the envelope, उसने क्या है envelope के ऊपर उस लिफाफे के ऊपर क्या to God, he write to God मतलब उसने क्या टू गोल मतलब लेटर के अंदर हम एड्रेस लिखते हैं लेकिन किसको एक लेटर भेजा जाता है तो उसकी जगह उसने क्या टू गोल लेटर के रूप में लिखा जो रिसीवर्स का एड्रेस होता है कौन रिसीव करने वाला है इसको एड्रेस को इसको लेटर को ऑन द एनवेलप एनवेलप के ऊपर उस लिफाफे के ऊपर के उसने क्या है टू गोल लिखा लेटर लिखा उसने पुट द लेटर इनसाइड उसने क्या पुट द लेटर जो लेटर था एनवेलप के अंदर उसने क्या रख दिया एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन एंड स्टिल ट्रबल मतलब अभी क्या ट्रबल चिंता ग्रस्त था वो अभी भी क्या टेंशन में था चिंता में था वेंट टू टाउन वो क्या टाउन गया एट द पोस्ट ऑफिस वो क्या पोस्ट ऑफिस में गया
He placed his stamp on the letter. उसने क्या stamp मतलब जो टिकट होती है जो stamp लगा दी किस पे उस letter के ऊपर उस envelope के ऊपर and dropped it into the mailbox और उसको क्या उसने drop कर दिया मतलब mailbox के अंदर mailbox जो post office के सामने एक लाल रंग का क्या डिब्बा सबसे बड़ा उसके अंदर उसने क्या drop कर दिया उसके अंदर वो letter डाल दिया उसने क्या करके उसके ऊपर एक stamp लगा के जो टिकट थी वो लगा के उसने क्या वो मेल बॉक्स में डाल दिया वन ऑफ द एम्प्लॉइज एम्प्लॉय क्या होता है वर्कर्स एक जो उनमें से एक जो वर्कर था जो एम्प्लॉइज था जो वर्कर था हु वाज ए पोस्टमैन जो क्या था एक पोस्टमैन का मतलब डाकिया था एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस और एंड ऑल्सो हेल्प और वो क्या हेल्प भी करता था सहायता करता था एट द पोस्ट ऑफिस उस पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या वो सहायता करता था वेंट टू हिज बॉस वो क्या उसके अपने क्या बॉस के पास मतलब उसके जो बॉस होता है हेड होता है उसके पास जाता है लाफिंग हार्टली लाफिंग हंसते हुए हार्टली मतलब दिल से जोर जोर से विद फुल्ली हार्ट वी कैन से जो विद फुल्ली हार्ट मतलब जोर जोर से हंसते हुए वो क्या हार्टली दिल से क्या जोर जोर से हंसते हुए एंड शोड हिम द लेटर और उसको क्या शो किया दिखाया करने वाला इंसान कौन था जो पोस्ट मास्टर था ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वो भी क्या है मतलब जोर जोर से हंसने लगा ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग हा 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 देख के कि कैसा मूर्ख के इंसान है जो के भगवान को पत्र भेज रहा है बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली लेकिन लगभग इमीडिएटली तुरंत ही टर्न सीरियस वो क्या तुरंत ही क्या एकदम से क्या सीरियस हो जाता है कुछ समय पहले तो क्या जोर जोर से हंस रहा था उस पर कि कैसा इंसान है जो भगवान को पत्र लिखता है लेकिन इमीडिएटली एडवांस तुरंत ही क्या वो एकदम से क्या उसका मूड चेंज हो जाता है एंड टैपिंग द लेटर टैपिंग मतलब खटखटाना ऐसे मारना लेटर को टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क हो गया अपनी डेस्क के ऊपर के लेटर पर से टैप कर रहा था मार रहा था डेस्क के ऊपर अपनी मेज के ऊपर मार रहा था कमेंटेड उसने क्या कमेंट किया और बोला उसने रिमार्क किया कमेंटेड मतलब रिमार्क उसने कई बार रिमार्क की बताया उसने रिमार्क व्हाट फेथ उसे जो व्हाट फेथ क्या कितना विश्वास है क्या विश्वास आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर आई विश मेरी इच्छा है आई हैड द आई हैड द फेथ कि मुझे क्या मैं विश्वास रखूं मैं उस आदमी का वो रोड दिस लेटर मतलब उसने कहा जिस इंसान ने पत्र लिखा है मेरी इच्छा है कि मैं उस इंसान का जो फेथ है जो विश्वास है वो कायम रखूं वो उसको हिलने ना दूं विश्वास को स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड जिसने क्या है स्टार्टिंग ऑफ जिसने के स्टार्ट किया है शुरुआत किया है कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड मीन टू से पत्राचार जिसने के डायरेक्ट किससे भगवान से क्या है भगवान से पत्र व्यवहार शुरू किया है ताकि क्या है वो उसको लेटर लिखेगा भगवान को और इस उम्मीद में इस आशा में इस जिज्ञासा में कि क्या है भगवान मेरे इंटरव्यू में मुझे क्या है इसका रिप्लाई देगा आंसर देगा उसने क्या है इसलिए मैं उस इंसान के फेथ को क्या है नहीं तोड़ना देता नहीं गिराना देता सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड इसलिए क्या है लेखक का भगवान से क्या विश्वास ना टूटे भगवान से क्या विश्वास ना टूटे जो द पोस्ट मास्टर केम अप जो पोस्ट मास्टर क्या है केम अप एन आइडिया पोस्ट मास्टर क्या है एक आइडिया के साथ एक विचार आता है उसको एक सुझाव आता है एक मतलब एक विचार करता है किसी चीज पे कि उसका क्या मेन मोटिव उसका क्या था कि जो इंसान भगवान पे इतना ज्यादा गहरा विश्वास करता है उस इंसान का क्या विश्वास टूटना नहीं चाहिए इसलिए वो चाहता था कि उसका विश्वास ना टूटे
The postmaster came up with an idea. Postmaster came up with an idea. विचार आया उसको एक दिन तो उसके बाद आई. Answer the letter. उसने क्या? Answer the letter. उसने कहा कि मैं उसके मन में बात आई कि क्यों ना हमने क्या इस लेटर का आंसर देना चाहिए. इस जो क्वेश्चन पूछा उसका क्या आंसर देना चाहिए लेटर का. But when he opened it, लेकिन जब उसने क्या इसको खोला, it was evident that answer. It was evident. ये क्या बिल्कुल क्लियर था. एविडेंट था, बिल्कुल क्लियर था, साफ था. एक आप कह सकते सबूत था एक तरह से. इट हैड नीडेड समथिंग मोर देन रूबेली. कि उसको क्या इट हैड समथिंग मोर देन नीडेड. ही नीडेड कि उसको आवश्यकता है कि गुडविल मतलब अच्छाई से, मतलब जो भी क्या गुड डिजायर अच्छी जो डिजायर जो इच्छाओं से ज़्यादा उसे किसी और चीज की भी क्या आवश्यकता है, जरूरत है. जैसे उन्होंने लेटर बोला तो उनको कई बात है पता लगी. इंक एंड पेपर उसने क्या उसने कहा कि उसे क्या सद्भावना कागज और स्याही से ज्यादा किसी और चीज की आवश्यकता है. उसने कहा कि इंक एंड पेपर कागज और स्याही से ज्यादा उसको किसी और चीज की आवश्यकता है. किस चीज की आवश्यकता है? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. लेकिन बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन मतलब रिजोल्यूशन मतलब फर्म डिसीजन. फर्म मतलब एक तरह से कठोर निर्णय लेना कह सकते हो, एकदम से निर्णय लेना कह सकते हो. उसने क्या फर्म डिसीजन लिया, एक तरह से पक्का मतलब डिसीजन लिया. किसने लिया? उस पोस्ट मास्टर ने. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी. उसने क्या पैसे के लिए कहा. फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. उसने क्या अपने एम्प्लॉयज से अपने जो वर्कर्स थे उससे क्या पैसे के लिए उसने डिमांड की कि मुझे क्या थोड़े पैसे दो. मतलब वो कलेक्ट करना चाहता था कुछ पैसे. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. और उसने अपने आप ने भी क्या एक सैलरी का पार्ट दिया था, उसको अपना भाग दिया था. एंड सर फ्रेंड्स और सेवरल फ्रेंड्स और उसके जो सेवरल मतलब कुछ जो दोस्त थे ऑफ हिज वर्क ऑफ लाइफ. जो उसने क्या जो कुछ ऐसे दोस्त थे जो इच्छा करते थे टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. चैरिटी जो क्या कुछ दान देने की क्या कृपा की. उसके जो कुछ दोस्त थे जिन्होंने क्या दान देने की पेशकश की ताकि वो क्या कुछ ना कुछ उसकी मदद हो सके. वो जो इच्छा थी उनकी क्या हम भी कुछ ना कुछ क्या डोनेट करें दान दें उनको. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम. और ये उसके लिए क्या इम्पॉसिबल था टू गैदर टूगैदर मतलब टू गैदर इकट्ठा करना टुगेदर एक साथ इकट्ठा करना द 100 पीसों. ये क्या है उसके लिए इम्पॉसिबल था मतलब असंभव था. क्या है असंभव? टुगेदर मतलब एक साथ इकट्ठा करना द 100 पीसों. एक साथ 100 पीसों इकट्ठा करना उसके लिए क्या है एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इम्पॉसिबल था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर. इसलिए क्या ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर. इसलिए क्या एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ. इसलिए क्या वह समर्थ हो उसका उस फार्मर को ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ आधे से क्या थोड़े से ज्यादा भेजने में क्या वो समर्थ हो उसका. मीन टू से ही पुट द मनी इन एन एनवेलप. उसने क्या पैसों को उस एनवेलप में उस लिफाफे के अंदर रखा. एंड एड्रेस लेंचो और एड्रेस लेंचो को क्या एड्रेस लिख दिया लेंचो का एड्रेस. एंड विदिट और इसके साथ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड. और जो लेटर था वो डेन था उसके ऊपर लिखा हुआ था ओनली सिंगल वर्ड. एक ही वर्ड लिख दिया उसने एज ए सिग्नेचर बोर्ड एक भगवान के रूप में सिग्नेचर के रूप में क्या एक गॉड लिख दिया उसने. क्या लिख दिया लास्ट में क्या नीचे सबसे पहले नीचे उसने क्या लिखा गॉड. इसके रूप में एक सिग्नेचर के रूप में क्या उसने गॉड लिख दिया ताकि ये समझ सके कि लेटर क्या है. गॉड ने इसको क्या रिटर्न में लेटर भेजा है उसको भी ये बताया. अब बेटा ये जो जैसे अपने पार्ट के इसके कुछ दो तीन क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कैसे हैं देखते हैं.
What did he do? First question. Who and what did Lancho have faith in? Uska kya bhagwan matlab kis mein vishwas tha? Lancho had so much faith. Lancho had full faith in the help of God. Usko ke kis mein vishwas tha uska? Isme bhagwan mein. Because he believed in God, aur bhagwan ke kya bahut zyada kya vishwas karta tha. Whose eyes see even what is deep in one's conscience. मतलब क्यों विश्वास करता था? Mean to say, his main desire, he was thinking, he thought that, उसने सोचा कि जो there was only God who can see everything in this world, जो संसार के अंदर सब कुछ क्या देख सकता है, who is omnipresent here and who can even see in the deep of our heart, यहाँ तक कि हमारी जो हृदय की गहराई में भी है वो चीजें देख सकता है कोई भी चीज. So he wrote a letter. इसने क्या उसने क्या एक लेटर लिखा कि God asking for 100 pieces. उसने क्या 100 pieces के लिए 100 मतलब 100 pieces के लिए कि उसने लेटर लिखा कि I need 100 pieces. मुझे क्या 100 pieces की जरूरत है. He needed this money to show the crop. उसने क्या he needed उसकी आवश्यकता थी this money to show the crop and leave until the next crop. और उसने क्या है इतने जरूर थी एक तो उसको जरूर थी जब तक क्या एक तो सो द फील्ड बीज बोने के लिए खेत में और एक उसको क्या जब तक कि नेक्स्ट जो फसल आ ना आ जाए तब तक उसको क्या जरूर थी. हु रेड द लेटर किसने पढ़ा लेटर क्या है पोस्टमैन read the letter first. A postman. किसने पढ़ा? Postman. Postman read the letter first and then he showed the letter to his post office postmaster. We can say postmaster का तो उसने क्या दिखाया? What did the postmaster do then? तब क्या postmaster ने क्या किया? जो third question है हमारा कि जो postmaster है उसने क्या है? फिर पोस्टमास्टर ने क्या किया? What did the postmaster किससे? फ्रॉम हिज एम्प्लॉय. उसने क्या अपने एम्प्लॉय से अपने फ्रेंड से क्या पैसे के लिए पूछा कि मुझे क्या थोड़ी मदद की जरूरत है. एंड ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी. और उसने क्या ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी. और उसने भी क्या है अपनी जो सैलरी में से क्या है एक भाग उसको दिया मतलब एक भाग उसने कलेक्ट किया. बट एंड मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स दे कंट्रीब्यूटेड फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी. और बहुत से जगह है कुछ चैरिटी बट ही कुड कलेक्ट ओनली इसे भी सो 70 पीसोस कुड ओनली कलेक्ट 70 पीसोस एंड ही पुट देम इन एन एनवेलप. उसने क्या है इसको क्या इन एन एनवेलप एंड अनदर लेटर वी कैन से एंड इट हैड ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर. और उसने एक सिंगल वर्ड क्या लिख दिया एज ए सिग्नेचर के रूप में उसने क्या गॉड लिख दिया. अब हम क्या है बेटा जो भी ये चीजें मतलब ये क्वेश्चन आंसर हो गया. ओके इट इज एनफ फॉर टुडे. आगे हम के नेक्स्ट टॉपिक इसी में पे नेक्स्ट पार्ट में क्या हम करेंगे. ओके हैव अ नाइस डे.